राजस्थान से जहां गर्मी से 8 लोगों की मौत हो गई है। बाड़मेर में 49 डिग्री पहुंच चुका है तापमान। राजस्थान के 7 शहरों में 47 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। 3 दिन के लिए राजस्थान में रेड अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी भी किया गया है, लोगों को सतर्क। भारत में जिस तरह तापमान बढ़ रहा है उससे ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में लाखों लोग भारत के मौत के मुंह में समा जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम इन दिनों में देख रहे हैं कि 2024 में अप्रैल से लगाकर जून तक सूर्य की गर्मी के कारण इस देश में पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। जी हाँ, हमने पिछले महीने में देखा कि किस प्रकार से सूर्य की जो गर्मी वो बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, बढ़ती ही जा रही, जिसके कारण से कई लोगों को इसका असर भी हुआ है और कई लोगों की मौत भी हो गई है। जी हाँ, इतनी गर्मी, सूर्य की इतनी गर्मी के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहाँ पर जो नौकरी करते समय, चलते समय बेहोश हो गए, और जब मालूम चला तो उसका जो रीज़न था वो ये हुआ कि जो सूर्य की गर्मी के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण उनकी मौत हो गई है, इस प्रकार से खुलासा हुआ है। दिन प्रतिदिन जो साल है वो सूर्य की गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। 2023 और 24 सबसे ज़्यादा गर्म साल रहे हैं, और 23 से जो 24 है वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे गर्म साल रहा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और 8 कलम में लिखा गया है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलझा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलझ गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। रीजन है उसका, जो कारण है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य हमेशा परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। परमेश्वर ने जो प्रकृति को बनाया है उसके साथ हमेशा खिलवाड़ करता आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि साल देश में 140 लोगों की मौत हो गई है, और ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े आ रहे हैं। भारत में गर्मी की वजह से अब तक 40,000 से ज़्यादा लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं, जिसमें से 143 लोगों की मौत हो गई, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। मार्च से 20 जून के बीच में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लू लगने के कारण लगभग 41,779 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बीमार पड़ गए थे। गर्मी की वजह से केवल जून, यानी कि 1 जून से लगाकर 20 जून तक पूरे देश में 14 लोगों की मौत हो गई है। मार्च, अप्रैल, मई और जून में इतनी भीषण गर्मी पड़ी है कि साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं, और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है, अगर ये काम हमने नहीं किया तो हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य हो रहा है। अभी हमने जो वचन पढ़ा है मेरे प्यारों, कि किस प्रकार से जो स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया कि जो सूर्य की तपन से है ना लोगों को विपत्ति डालें, विपत्ति आएगी और बड़ी तपन होगी, जिसके कारण से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। राज्यों का जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है और कई जगहों पर 52 डिग्री भी पहुंच गया है, जिसके कारण कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार की गर्मी का मुख्य कारण एलिनिनो और वातावरण में बढ़ती ग्रीन हाउस गैस है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2001 से 2023 के बीच में गर्मी की घटनाएँ पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि 1969 से 2001 के समय में गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। प्रियो, हम अंत के समय में जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन गर्मी, सूरज की जो तेज रोशनी तपन के कारण कई लोगों की मौत हो गई है, और अभी भी जो न्यूज़ है वो गर्मी की ही आ रही है, और भी बहुत सारे न्यूज़ आ रही है जहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो गई है।